चमोली के स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंडर 14, 17 और 19 आयु वर्ग की बालक टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं हैंडबॉल प्रतियोगिता में सभी जनपदों की टीमें शामिल हैं। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान के द्वारा ध्वजारोहण करके किया गया। बता दें कि उद्घाटन मैच में बागेश्वर और देहरादून जनपदों के बीच मैच खेला गया, जबकि दूसरा मैच अल्मोड़ा और पौड़ी जनपदों के बीच खेला गया। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन का दायित्व जनपद चमोली को निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा दिया गया है। इस प्रतियोगिता में संपूर्ण उत्तराखंड की टीमें यहाँ प्रतिभाग कर रही और हमारा पूरा प्रयास है कि सभी टीमों को संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और किसी प्रकार की किसी भी समस्या हो, ऐसा हमारा प्रयास है। सबसे पहले मैं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लिए हुए समस्त जिलों के खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस समय यहाँ पर अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर, देहरादून की टीमें, चमोली की टीमें भाग ले रही हैं। समस्त खेल प्रेमियों का इस राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत और गोपेश्वर में मेरे संज्ञान में तो आ रहा है, ये पहली बार यहाँ पर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हो रहा है।